10 बजे मेरा ये हालत हो गया था। इस वजह से मैंने 2 दिन ब्लॉग बनाया ही नहीं, तो चैनल पे आएगा कैसे। मैं उनको तब भी पसंद नहीं आऊंगी, तो इट्स ओके। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। वैसे मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ, गुड नाइट बोलूँ कि क्या बोलूँ, क्योंकि अभी रात के 3:15 बज रहे हैं। मीन्स ये टाइम पे जब व्लॉग बन रहा है तो आप लोग सो रहे हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वेल, मैं जा रही हूँ फ्लाइट पे, 4:05 की रिपोर्टिंग है मेरी। और आज के ड्राइवर भैया इतने अच्छे थे ना, लास्ट फ्लाइट पे जो ड्राइवर भैया आए थे उन्होंने मुझे रिपोर्टिंग से 3 घंटा पहले कॉल करके डिस्टर्ब किया था, इसलिए मैं इस बार अपना फ़ोन साइलेंट करके सोई थी कि जब अलार्म बजेगा तभी मैं उठूंगी। बट दिस टाइम ड्राइवर सर वॉज सो नाइस कि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पिंग किया था और फोटो भेजी थी कि मैं यहाँ लोकेशन पे पहुँच गया हूँ, जब आप उठोगे तो मुझे कॉल कर देना। एंड इट वॉज सो नाइस, तो मेरा दिन ही इतना प्यारा स्टार्ट हुआ और मैं एयरपोर्ट भी अपने टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुँच गई थी। चलो व्लॉग डेस्टिनेशन से ही शुरू करते हैं डायरेक्ट। Hi you all, welcome or welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really really great. कैसे हो आप सब। I know 2 दिन से मैंने vlog नहीं डाला है, तो बात ये थी कि मैं थोड़ी मशरूफ़ थी खुद के साथ, और इस वजह से मैंने 2 दिन vlog बनाया ही नहीं, तो चैनल पे आएगा कैसे। तो राइट नाउ आई एम इन दुबई, ये है लाइफ अपडेट। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था कि 2 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट है, दैट टू अर्ली मॉर्निंग, तो वो आज का ही दिन की मैं बात कर रही थी। और अभी मैं दुबई में हूँ, जी हाँ। एंड हाँ, मशरूफ़ मैं कहाँ थी, अभी मैंने रिसेंटली एक, यहाँ से लाइट अच्छी है, हाँ, रिसेंटली मैंने एक पाकिस्तानी सीरीज़ देखना स्टार्ट की हुई है, तो उसके 34 एपिसोड्स हैं। एंड गाइस, मैंने एक ही दिन में 12 एपिसोड एक साथ देख लिए, और कल मतलब 2 दिन के बीच में, तो एक दिन 12 एपिसोड देखे और दूसरे दिन मैंने 25 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब मेरे कितने बच गए हैं, 9 एपिसोड और बच गए हैं। तो इस वजह से मैं इतनी मशरूफ़ हो गई, इतनी बिजी हो गई कि मेरे को मन ही नहीं किया कि हाँ ठीक है, कभी कभी आपको मी टाइम भी चाहिए होता है। हाय गाइस, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, कर करके कभी कभी आप थक जाते हो, तो थोड़ी सी ब्रेक चाहिए होती है। एंड दैट वॉज द रीज़न, अदरवाइज़ आई एम टोटली फाइन। थैंक यू जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर DM किया है कि आप 2 दिन से व्लॉग नहीं डाले हो, क्या आप ठीक हो। तो जी हाँ, हम खैरियत से हैं। तो पाकिस्तानी सीरीज़ का असर है ये सारा उर्दू शब्द। तो हाँ, फिलहाल मैं जा रही हूँ ऊपर क्रू लाउंज में, कुछ खा पी के आऊँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो आई एम इन दुबई राइट नाउ, और जो मेरे चैनल को अच्छे से यू नो प्रॉपरली फॉलो करते हैं उनको तो समझ ही आ गया होगा कि मैं दुबई में हूँ। एंड दिस इज़ आर क्रू लाउंज, जो मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में पहले भी आपको दिखाया है। ये होटल के अंदर ही है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दुबई का क्रू लाउंज। यही अगर मैं बाकी कंट्रीज़ के क्रू लाउंज की बात करूँ तो बहुत सारी जगहों पे सिर्फ केटल या माइक्रोवेव, टी कॉफ़ी, बस यही ऑप्शन होगा, और कहीं कहीं तो माइक्रोवेव भी नहीं है। तो उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली दुबई का बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जूसेस, मिल्क, टी, कॉफ़ी, केक और इवन सॉफ्ट ड्रिंक की जो मशीन रहती है ना, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होती हैं फॉर डाइट कोक, पेप्सी, स्प्राइट एंड ऑल, तो वो मशीन भी है यहाँ पर, प्लस अवन भी है, आप कभी भी आ सकते हो, अपना खाना गर्म कर सकते हो, कभी भी आ सकते हो, केक खा सकते हो, जूस पी सकते हो, अपने रूम में लेकर भी जा सकते हो। सो आई लाइक दिस। और आज मैं लाइफ में पहली बार कॉफ़ी के साथ केक ट्राई करने वाली हूँ। मैंने नोटिस किया है कि बहुत बार फ्लाइट पे लोग आते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स, आई वुड से इंडियंस भी मांगते हैं बट मोस्टली फॉरेनर्स, कि वो कॉफ़ी के साथ स्वीट चीज़ खाते हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई कि हाँ कैसा लगता है, मतलब कॉफ़ी और मीठा कुछ खा के साथ में। और वैसे अगर मैं आपको सत्य वचन में एकदम सच सच बताऊं तो मुझे कुछ खास पता नहीं चला कि क्या मतलब क्यों खाते हैं लोग। तो यहाँ पे मैंने खा भी लिया है और कॉफ़ी पी भी ली है, तो अब टाइम है मेरा सोने का, तो चलो चलते हैं रूम में। और मैंने एक जूस ले लिया है अपने साथ, बिकॉज अगर मुझे बाद में भूख लगेगी तो आई कैन यूटिलाइज दिस, और रूम में लेके जा सकते हैं, तो फिर क्यों ना लेके जाएं, राइट। हाय मैम, कैन यू हियर मी। या मैम, आई जस्ट वांट टू इंक्वायर अबाउट द लॉन्ड्री, हाउ मेनी पीसेज आर अलाउड। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी।
ma'am, I want to know how many pieces are allowed for laundry. Four. Okay, thanks. Four pieces. I am not even carrying four pieces, I think. Four pieces are allowed, but I don't think I have four pieces because aaj main ek hi bag lekar aayi hu and ghar ke kapde I am not going to give. So sirf uniform dete hain aur aap mein se bahut sare log mujhe red uniform mein dekhna chahte hain. Since that uniform is washed, wo separate padi rehti hai mere bag mein, but I don't think ki wo iron hogi because kafi time se aise hi padi hai. So I'm thinking ki main red wali wash kara lu aur kal red pehnu aap logon ke liye, but I'm not sure. अगर अच्छी लगेगी तो ही मैं पहनूंगी बिकॉज आई डोंट लाइक दिस कलर. बहुत ही चटक लगता है मेरे पे. आपको क्या लगता है? जारान झुनरान बहुत डार्क लगता है यार मुझे इसमें ना. अरे मैं नई नवेली दुल्हन टाइप्स देखती हूँ, बट इसके लिए लॉन्ड्री बैग तो ढूंढना है. वेयर इज लॉन्ड्री बैग? पे भी नहीं है. ठीक है, पिल्लो कवर है. मसला है यहाँ है जनाब. हाय गाइस, सो मैं खा पी के आ गई हूँ. अब ये बिस्तर मुझे बुला रहा है कि आ जाएं और सो जाएं, क्योंकि रात को मैं सोई भी नहीं हूँ. दो घंटा सोई थी और रात को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. पता नहीं क्या हुआ, सडनली मैंने घर पे बात की, बात करके जैसे ही फ़ोन काटा और मेरा ना सर एकदम से इतना भारी हो गया और वॉमिटिंग जैसा लगने लगा एंड आई कुड नॉट कंट्रोल. वॉमिट हो गया मुझे. और रिपोर्ट से करने के लिए हमें अपनी रिपोर्टिंग से 6 घंटे पहले करना पड़ता है. अगर आप लास्ट मिनट करते हो तो आपको अच्छा खासा लेटर मिलता है, प्लस बुलाया भी जाता है कि क्या हुआ था क्या नहीं. तो मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे, मतलब 10:05 लास्ट टाइम था मैं रिपोर्ट से कर सकती थी, और 10 बजे मेरा ये हालत हो गया. जब तक मैं वॉशरूम से निकल के आई तब तक 10:05 भी हो गए थे. सो आई कुड नॉट रिपोर्ट से एंड हेयर आई एम नॉट डूइंग वेल. वैसे तो पता नहीं क्यों एनर्जी कम लगती है आजकल मुझे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है. बड़ी जल्दी मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ और पता नहीं क्या क्या. तो फ़िलहाल मैंने खा पी लिया गाइस, तो मैं बाहर जाने का अभी डाइसी हूँ. 2-3 लोग हैं जिनका फर्स्ट लेओवर है, तो देवर थिंकिंग, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ है. तो अगर गई मैं बाहर तो आपको ब्लॉग में देखने मिल जाएगा, अगर नहीं गई तो कमरे में ही चपड़ चपड़ करेंगे. जिनको पसंद है वो मेरी चपड़ चपड़ भी सुन लेते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो घर में बाहर जाके भी व्लॉग बनाऊंगी मैं, उनको तब भी पसंद नहीं आऊंगी. तो इट्स ओके, चलता है. चलो मैं जा रही हूँ, बाय, गुड नाइट. हमेशा मैं घोस्ट की बातें करती रहती हूँ अपने व्लॉग्स में, और आज मेरे साथ देखो गाइस, लाइट जो है वो फ्लिकर करी थी. मैं सो के उठी, हार्डली 2 या 2.5 घंटे सोई होंगी. जैसे ही उठी तो मैंने लाइट ऑन की एंड इट स्टार्टेड फ्लिकरिंग. तो आई गॉट स्केयर्ड, तो मैंने कॉल किया कि रिसेप्शन पे कि कैन यू प्लीज़ सेंड समवन टू फिक्स दिस. तो बोलते हैं कि इट विल टेक टाइम. तो मैंने वेट किया थोड़ा सा और फिर मुझे भूख लग गई थी, तो आई थॉट कि जब तक वो नहीं आए हैं तब तक मैं अपने लिए लंच ऑर्डर कर लेती हूँ. तो आई ऑर्डर टॉर्टिला सैंडविच विद पोटैटो वेजेस एंड ऑल्सो देयर वॉज चिकन बिरयानी, बट मैं इतनी भूखड़ नहीं हूँ कि मैं पूरा का पूरा एक साथ खा लूँ. सो वट आई डिसाइडेड कि पहले मैं सैंडविच खा लेती हूँ एंड देन रात में आई कैन यूटिलाइज दिस बिरयानी, और वो ही मैंने किया. आपने मेरे जितने भी दुबई व्लॉग्स देखे होंगे मोस्टली यही सेट मेन्यू होता है. क्यों? क्योंकि हमें लिटरली कंपनी की तरफ से एक सेट मेन्यू मिलता है, उसमें से वी हैड टू डिसाइड कि क्या खाना है. और मैंने 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई किए हैं, बट आई वुड से कि जितने ऑप्शंस ट्राई किए हैं उसमें से बेटर मुझे ये लगता है.
बेस्ट तो नहीं है बट या बेटर मुझे ये लगता है, सो आई ऑर्डर दिस। एंड गाइज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दैट लाइट फ्लिकरिंग थिंग ना, अभी वो फिक्स नहीं हुआ था एंड दूसरा प्रॉब्लम आ गया, वो था एसी का। पता नहीं सडनली क्या ही हो गया कि ना ही मैं टेम्परेचर को बढ़ा पा रही हूँ ना ही मैं कम कर पा रही हूँ, एक पर्टिकुलर नंबर पे वो टेम्परेचर अटक गया है, मीन्स उसी पे सेट हो गया है। तो मैंने इसके लिए भी कॉल किया कि कैन यू प्लीज़ सेंड समवन बिकॉज इट इज़ गेटिंग सफोकेटेड नाउ, बहुत गर्म हो रहा है। तो उन्होंने इंजीनियर को भेजा और ये सर ने चेक किया वो और मुझे फिक्स करके दिया। फिर मैंने लाइट के लिए भी बोला तो ये वाले भैया आए उसके लिए और उन्होंने बोला कि उन्होंने बल्ब ही चेंज कर दिया पूरा का पूरा। एंड आई गॉट स्केयर्ड, तो मैं उनको वीडियो भी दिखा रही थी कि ये देखो, वरना हो सकता है ना कि उनके सामने वो लाइट फ्लिकर ना करे, तो इसलिए मैंने वीडियो बना लिया था। तो ही स्टार्टेड लाफिंग कि नहीं, मतलब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो ऑब्वियसली वो फ्लिकर कर ही रहा होगा। तो वो भी फिक्स हो गया। और ये सब करने के बाद मैंने मेरे जो बचे कुछ एपिसोड थे वो पाकिस्तानी सीरीज़ के, मैंने वो कंप्लीट की। और उसके बाद मुझे लगी थी भूख और दोपहर वाली बिरयानी भी बची थी, तो मैं गई थी क्रू लाउंज में, वहाँ पे मैंने बिरयानी गरम की जो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। और वहाँ पे मुझे मिली एक मेरी सब्सक्राइबर, और उनसे मिलने के बाद अपना खाना वापस से रूम में लेके आने के बाद मैंने खाया और मैं सो गई। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह 6:55 हमारा वेकअप कॉल था और 7:55 हमें निकलना था, तो इसलिए मैं यहाँ रेडी हो रही हूँ। और आज मैं ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट फर्स्ट टाइम मैं पहन रही हूँ रेड यूनिफॉर्म, आपके कहने पे, बिकॉज आप चाहते थे कि मैं पहनूं। और बहुत सारे कमेंट सेक्शन मैंने देखे हैं कि साड़ी के रिलेटेड भी हैं, बट साड़ी मुझसे नहीं हो पाएगा गाइस बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ड्रेप और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो। तो चलो एटलीस्ट मैंने रेड वाली यूनिफॉर्म आपके कहने पर ट्राई की है यार, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है रेड यूनिफॉर्म और ब्लू यूनिफॉर्म। तो चलो इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलो फिर बाय बाय।